अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैंने सोचा कि इस दिन पे अपनी YouTube फैमिली को भी अपने साथ में ज़रूर लेके चलूँ। आज मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के स्कूल और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारी बेटी को स्कूल से अवार्ड मिल रहा है। और ये अवार्ड सारे बच्चों को नहीं मिलता, ये कुछ बच्चे क्लास में से चूज़ होते हैं, जैसे 2 या 3, और उनको मिलता है। और उसमें से हमारी अनाया की सिलेक्शन हुई और हम लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए। और अभी मैं देखें स्कूल पहुंच चुकी हूं और अभी तिलावत कुरान पाक से स्टार्ट होगा, तो चलिए हम तिलावत कुरान पाक को सुनते हैं। की तिलावत हुई, नेशनल एंथम, उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेस, प्रिंसिपल की स्पीच और फिर स्टार्ट हुई हमारी अवार्ड सेरेमनी। मैंने थोड़ी थोड़ी कोशिश की है कि मैं सब आपके साथ शेयर करूं, ताकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और सब कुछ मैं शेयर भी कर सकूं। तो चलिए अवार्ड सेरेमनी। अनाया को इस वक्त स्टेज पे देख के मैं आपको अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। आई नो हर मदर इस चीज़ से रिलेट करती होगी कि जब उनका बच्चा कुछ अचीव करता है तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ विन कर लिया है, हमारी अचीवमेंट हुई है और हम समहाउ सक्सेसफुल हो गए हैं, बस हमने कुछ अचीव कर लिया है। बस मेरी भी वैसी ही कोई फीलिंग्स थी कि बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करना, उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी ख्याल रखना और बच्चों के कॉन्फिडेंस का, तो बस मुझे लगा कि मैं दोबारा से अपना बचपन रिलिव कर रही हूँ और मैं स्टेज पे पहुँच गई। इवेंट हमने अटेंड कर लिया और हम वहाँ से निकले और हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन को और स्पेशल बनाया जाए, अनाया के लिए और यादगार बनाया जाए कि उनकी वजह से आज हमने ये डे देखा है, तो हम उनको इस दिन और स्पेशल फील कराएं ताकि वो अपनी लाइफ में इस दिन को याद रखें कि किस तरह मम्मा बाबा ने उसके इस डे को सेलिब्रेट किया। तो मुबीन ने कहा कि क्यों ना हम जाके केक लें और अनाया से हम केक कट करवाएं ताकि अनाया कभी भी ना भूले और उसकी कुछ पिक्चर्स हम लेके रखें ताकि वो हमेशा याद रखे। तो मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह केक लेने के लिए। आपको पता है मुझे यहाँ के केक्स बहुत पसंद है और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर पूरा ही एक हेलोवीन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पर हेलोवीन आने वाला है, दुबई में वर्ल्ड वाइड आ रहा है वैसे, तो यहाँ पे भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो देखें फ्लोर पे भी इन लोगों ने बैट्स बनाई हुई हैं और इस तरह के स्केलेटन्स वगैरह सब जगह होते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने केक कॉर्नर की तरफ और मुबीन को फ्रूट केक बहुत पसंद है। एक्चुअली उनका चॉकलेट केक थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना, चॉकलेट उसके अंदर थोड़ी सी बिटर होती है, तो मुझे वो उतना पसंद नहीं आया। तो ये वाला हमने सोचा था कि हम फ्रूट केक लेते हैं। तो जब मैं दूसरी साइड पर आई हूँ तो वहाँ पर मुझे ये फ्रूट्स नज़र आए और इतनी खूबसूरत इनकी डेकोरेशन हुई हुई थी कि मैंने कहा कि इसको भी मैं कैप्चर करूँ, क्योंकि बहुत ही आई
कैचिंग हो रहे होते हैं कि बस दिल चाहता है इनको बाय कर लो, बट क्योंकि ये इस तरीके से डेकोरेट हुए हुए कटे हुए होते हैं तो इनकी प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है। तो बस केक शेक हमने ले लिया और बस यहाँ से हम लोग निकले केक लेके। तो बस रस्ते में हमने कहा कि बच्चों को आइसक्रीम की ट्रीट भी दे दें, और वाई नॉट बैस्किन रॉबिन, ही तो हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। तो बस सबने अपने अपने पसंद के फ्लेवर्स लिए और हमने आइसक्रीम इन्जॉय की। आज हमने फुल डे डेडिकेट कर दिया बच्चों के लिए कि बस जो स्पेशली अनाया के लिए, जो अनाया ने बोलना ना अनाया, तो बस क्लाउड नाइन पे थी कि माँ अच्छा मैं जो बोलूँगी वही होगा, हमने कहा हाँ आप जो बोलोगी वही होगा। तो बस हम लोगों ने अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम्स ली। एक नया फ्लेवर आया था तो हमने सोचा चलो इसको भी ट्राई किया जाए, वरना हमारा ऑल टाइम फेवरेट है पैरालाइन क्रीम, सभी को मेरी फैमिली में वही पसंद है। कभी कभी अनाया या ईमान कुछ न्यू ट्राई कर लेती हैं, वरना हम लोग ज़्यादातर वही खाते हैं। तो बस आइसक्रीम शाइसक्रीम खा ली हम लोगों ने। तो जी जनाब, आइसक्रीम वगैरह हम लोगों ने इन्जॉय कर ली। उसके बाद हम लोग घर गए फ्रेश वगैरह होके। मैंने सोचा थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली जाए, और टेबल डेकोरेशन के लिए मैंने कैंडीज चूज़ करी, जिससे मैंने कॉन्ग्रेट्स लिख दिया और बलून्स वगैरह फुला लिए, और इस तरह से हमने कैंडल्स लाइट अप कर ली। कोशिश करी मैंने कि मैं अपने इस स्पेशल डे के तमाम छोटे छोटे से लम्हे आपके साथ शेयर करूँ और अपना ये मोमेंट आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखें जी, बच्चे केक कट कर रहे हैं और मैंने इस पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन अनाया, प्राउड ऑफ यू। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह के दिन हमें बार बार दिखाएं और हमारे बच्चे हमें ऐसे ही प्राउड करवाते रहें। ज़रूर आप लोग भी मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आप लोग ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनको हमेशा बुरी नज़रों से महफूज रखे और हमेशा इनको एक अच्छा इंसान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। Stay tuned for more upcoming exciting videos. Until my next video, Khuda Hafiz, Fi Amanillah.